हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस 5-7 मिनट सुन लेना, उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो मुझे उम्मीद है आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। और देखो, आपको ज्ञान भी मैं ही दे रहा हूँ जो कि जेट क्वांट में भी टॉप कर चुका हूँ, कैट में 99.9 भी कैट में ला चुका हूँ क्वांट में। और ओवरऑल मैं बताऊँ आपको, कई लोग हो सकता है ना पता हो, बिना वर्बल अटैम्प्ट की ओवरऑल 99% भी आ चुका है। ठीक है, तो कुछ बातें मेरे से सीख लो, बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, जितने लोग पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और जो बार बार सुनते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो लोग भी कर दो, क्योंकि इस चैनल को ब्रांड भी देखो आप ही को बनाना है। ठीक है, बाकी सब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं पूरी टीम लगी रहती है इधर, तो मैं अकेला आपके लिए सब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, ध्यान से देख लेना। एक रियल स्टोरी बताऊंगा, वो वाली स्टोरी नहीं कि मैं अपने ज्ञान की बातें, कोई नहीं आपको फालतू का समय खराब नहीं करने वाला मैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम जब मैंने कैट दिया था तब मेरे पास कितने मंथ थे। ठीक है, और मेरे कैट में कितने परसेंटाइल आए थे। जो लोग हाँ 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं मुझे या पुराने स्टूडेंट हैं वो ये चीज़ जानते होंगे, लेकिन कई लोग नहीं, तो मैं आपको रियल बताऊंगा, मतलब कोई फेक नहीं, जबरन का मोटिवेट करने के लिए फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा। ठीक है, देन टाइम मैनेजमेंट पे बात कर लेंगे, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी पे बात कर लेंगे, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से मुश्किल से 5-7 मिनट में मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। माय रियल स्टोरी, देखो क्या हुआ था, 2008 के आसपास की बात, उस समय मैंने फर्स्ट टाइम कैट दिया था ना, फ्रेशर था मैं भी, है ना। तो जॉब लग गई थी, पसंद नहीं आई थी, छोड़ के वापस आ गए थे, घर वालों को ज़्यादा रीज़न बताए नहीं थे, है ना। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगस्त एंड की बात थी, वापस आ गए थे। अब अगस्त ही चल रहा है, देखो अगस्त एंड तक मैं वापस आ गया था। अब रीज़न मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि क्यों छोड़ना है, अपन भी आप इसमें बाद में बात कर लेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब मेरे पास 2-3 महीने ही बचे थे, है ना, और मेरे को उस समय तक पता नहीं था करना क्या है। तो आसपास के फ्रेंड सर्कल में लोग कैट की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी कैट की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगस्त एंड तक मान लो डिसाइड हुआ अपना कि कैट देना है, तो अगस्त एंड के बाद देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 3 महीने भी नहीं थे, और मुझे डेट याद है 20 नवंबर के आसपास की कैट की डेट थी, है ना। तो अब क्या हुआ, मैंने जब मटेरियल देखा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड तैयारी कर रहे थे उनसे मैंने मांगा, एक आती फेमस था उस समय, तो आप समझ गए होंगे कौन होगा। ठीक है, अपन ने मटेरियल देखा, अपन से कुछ बन नहीं रहा था, अपन को लगा कि गड़बड़ हो गई है, तो जॉब छोड़ने का डिसीजन भी गलत हो गया, मेरे से तो कैट भी नहीं निकलेगा। मैं इवन रोया था, लिटरली रोया था मैं। ठीक है, कई लोगों ने मोटिवेट भी किया कि नहीं कुछ नहीं, और कुछ दोस्त इतने बेकार होते हैं, आपके भी कुछ होंगे कि हम तो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 महीने पहले आया तेरा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और उस समय फेसबुक की जगह ऑर्कुट चलता था, तो उसमें लोगों ने बड़ी बड़ी कुछ मेरे दोस्तों ने हेडिंग डाल के रखी थी, ईट MBA, स्लीप MBA, और उनको देख के मैं घबरा जाता था, मतलब मुझे लगा कि हो जाएगा इन लोगों का। ठीक है, फिर मुझे किसी ज्ञानी आदमी ने, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं किसने ज्ञान दिया, लेकिन एक ने मुझे ज्ञान दिया था कि एक बार तुम कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखो, है ना। अब अच्छा, 11th 12th में IIT की प्रिपरेशन तो की हुई थी, तो मैं इतनी भी बेकार नहीं थी। ठीक है, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वो बता रहा हूँ, लेकिन हाँ वर्बल मेरी उतनी ही बेकार थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था बचपन में वो हिंदी मीडियम से था। ठीक है, तो वर्बल अपनी उतनी बेकार थी, लेकिन हाँ मैथ तो ठीक थी। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो मुझसे वो सारे बन रहे थे, मतलब क्वेश्चन ऐसा मुझे टफ वफ लग नहीं रहा था। और मैंने स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के कुछ अपनी तरफ, उस समय तो इतना नेट भी नहीं था, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखा, तो उस समय कैट में क्या था, 30-30 क्वेश्चन आते थे, है ना, तो 5 ऑप्शंस थे। और हाँ मेरे समय जब 2008 में दिया था तो ये 25 हो गया था, है ना, मैं 30 के हिसाब से गया था लेकिन रियलिटी में 25 आए थे। तो क्वांट, DILR और वर्बल, यही था, है ना, क्वांट, DILR और VARC। अच्छा, अभी तो कैट में क्या सिर्फ RC आता है मेन, इस समय तो VAR सब कुछ आता था, ग्रामर व्रामर सब कुछ आ जाती थी। ठीक है, तो मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे, तो मैंने क्या किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, 9th 10th की बुक कर ली थी मैथ्स की, मुझे समझ में आ गया कि इतने में मेरा काम हो जाएगा। और सिर्फ 2.5-1 महीने की तैयारी में, अब विश्वास करो, मेरे 98+ परसेंटाइल क्वांट के सेक्शन में आ गए थे। DILR जो मैंने उस समय किया था
सिर्फ PYQC किया था और कुछ भी नहीं किया था, ठीक है, और कॉन्फिडेंस तो इतना ही गया था कि बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा टाइप, ठीक है। तो इसमें भी 95 प्लस आ गए थे। अब क्योंकि बचपन से अपनी VARC कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही मैंने, इसमें मैंने क्या किया ज़्यादा, तो देखो और कोई मैंने इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन किया नहीं था, तो मैंने एक ऑक्सफोर्ड ग्रामर की पूरी ग्रामर की बुक कर ली थी, क्योंकि उस समय तो ग्रामर भी आती थी, 3 महीने वो 2-3 बार कर ली थी। तो क्या वो ग्रामर के जो 4-1 क्वेश्चन आए थे, है ना, वो 4 के 4 मेरे सही हो गए थे, बाकी RC उतना सही नहीं था इसमें, लेकिन मेरे कम परसेंटाइल आए थे क्योंकि मैंने तुक्के खूब लगा दिए थे, तो इसमें 60s की रेंज में आई थिंक थे, तो इसमें बस गड़बड़ थे। तो ओवरऑल जो मेरा था वो 90+ परसेंटाइल कुछ आया था, ठीक। लेकिन देखो 1.5-1 महीने की तैयारी में ही, अगर आप मेरा वो देखो क्वांट और DILR में 95+ में आराम से ले आया था, है ना। बस हाँ, इसमें मोटी बात आपको क्या समझानी थी कि कई बार हम कुछ इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखते हैं, वो इतना हवा बना के रखते हैं कि कैट बहुत टफ होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट को आपने देखा होगा मॉक टेस्ट जबरन के टफ बनाते रहते हैं, भाई इतना टफ क्यों बना रहे हो, मतलब इवन आप मॉक देते हो, ठीक है मॉक दो, प्लस आप कैट के PYQs देखो, और मेरे चैनल पे तो आपको सारे के सारे टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। मेरे चैनल पे देखो आपको क्या क्या मिल जाएगा फ्री में, PYQs मिल जाएंगे, है ना, 2017 ऑनवर्ड्स, ठीक है। देन आपको IMA की क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी पूरी, IIM अहमदाबाद ने अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं सब मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लस IIM बैंगलोर के पूरी मिल जाएगी आपको, IIM बैंगलोर ने अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे वो सब मिल जाएंगे, और 2017 से लेकर अभी तक के तो DILR के भी सॉल्यूशन पूरे मिल जाएंगे, प्लस कुछ टफ टफ सेट जो DILR के अभी तक कैट में है वो भी मैंने फ्री में लिया हुआ है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इतना सब कुछ जब मिलेगा तो कुछ सब्सक्राइब और लाइक तो करो मेरे चैनल को, है ना, ठीक। प्लस इस बार मैं IIM लखनऊ की सीरीज भी ले आऊँगा आपके लिए, ठीक है, ये भी फ्री, ठीक है, इतना सारा। और हाँ, अभी भी अगर आपको मैं कोर्स परचेस करना हो तो मेरी वेबसाइट पर जाके कर सकते हो, aspirants.com, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से त्रस्त हो चुके हो तो, और नेक्स्ट ईयर देना हो तो CAT 2023-4, ठीक है। तो ये थी एक मेरी रियल स्टोरी जो मैंने बिना उसमें कोई मिर्च मसाला लगाए आपको बता दी। अब बात करते हैं अपन टाइम मैनेजमेंट, देखो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने वो जो 2.5 महीने थे तीनों सब्जेक्ट रोज रोज करता था DILR के, और एक दिन में सब कुछ नहीं कर लेना, थोड़ा थोड़ा सब करो काफ़ी है। तो देखो टाइम मैनेजमेंट जरूरी, टाइम मैनेजमेंट में मोटा मोटा बता दूँ, लेकिन आप मेरे लास्ट वीडियोस देखना, मैंने क्वांट से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ क्वांट की तैयारी आपको कैसे करनी है, LRTI से रिलेटेड मैं बना चुका हूँ कैसे करनी, वर्बल से रिलेटेड एक बना दूंगा। लेकिन अब एक मोटी मोटी बात करूँ, देखो डेली आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने, ये एक नियम बना लो। हाँ, इसमें भले ही वर्बल, आप वर्बल एबिलिटी मिनिमम 1 आवर इसमें जरूर दो, अब तो सिर्फ RC ही RC आता है मेन, तो 1 आवर जरूर दो, ठीक है। DILR में LRDI में एक सेट LR का रोज करो, एक सेट DI का रोज करो, बस और कुछ नहीं करना। क्वांट में आप अपने टॉपिक के हिसाब से टाइम टेबल खुद बनाओ, क्योंकि क्वांट टाइम देगा, तो क्वांट में बचा हुआ जितना भी टाइम है इसमें मिनिमम 5 आवर्स तो दो, मिनिमम बोल रहा हूँ मिनिमम, ठीक है। तो 1 घंटा मान लो इंग्लिश में लग गया, 1 घंटा LR में लग गया, 5 आवर्स मिनिमम इसमें दो, तो भी 7 आवर्स ही होते हैं। फिर आप बचे हुए जितने भी आवर्स हैं उसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपका वीक हो उसमें ज़्यादा दे लो, जो स्ट्रांग हो उसमें कम टाइम दे सकते हो, ठीक है। प्लस आपको पर वीक 1-2 फुल लेंथ मॉक जरूर देना है, ये एक नियम बना लो, देना ही देना है, अच्छे इंस्टीट्यूट का देना, हमारा भी ले सकते हो। अच्छा, हम लोग तो अलग से प्रोवाइड नहीं करते, कंप्लीट कोर्स के साथ ही प्रोवाइड करते हैं। तो फुल लेंथ मॉक आप जरूर दो, कम से कम 1-2 जरूर दो, ठीक है, ये एक आपको करना ही करना है। बस इतना टाइम मैनेजमेंट कर लो, बाकी सब अपने आप होगा। मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, मान लो 2 आवर्स का मॉक है, अभी मैं डिटेल में इस पर और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, है ना, आप इसको मान के चलो 4 आवर्स। कैसे मैं बताता हूँ, जिस दिन मॉक दे रहे हो, है ना, तो नॉर्मली कोशिश किया करना, अभी तो कैट का वो नहीं आया है तो कुछ मॉक बचा के रखना, जब कैट का आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो उसके बाद जितने ही मॉक दो उसी टाइम स्लॉट में देना जिस टाइम स्लॉट को आपका पेपर है। अभी क्या करो, कुछ मॉक मॉर्निंग टाइम स्लॉट के हिसाब से दो, कुछ मॉक आफ्टरनून के हिसाब से टाइम स्लॉट के हिसाब से, सॉरी, और कुछ मॉक इवनिंग के टाइम स्लॉट के हिसाब से दो, इसी टाइम पे देना जिस टाइम को कैट होता है, ठीक है,
टाइम फिक्स रखना, ऐसा नहीं कभी भी उठ के दे रहे, नहीं। हाँ, मॉक देते समय कोशिश करना पूरा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो, जितना पॉजिटिव रहोगे देखना। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, लिख के दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिस दिन आपका मूड अच्छा होगा आपके मॉक में देखना अच्छे परसेंटाइल आएंगे, जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं होगा आप देख लेना आपके मॉक में भी अच्छे परसेंटाइल नहीं आएंगे, चेक करके देख लेना। तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कैट में आपको मूड कैसा रखना, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। प्लस टू की फोर आवर्स मैंने क्या बताया, जैसे आपने टू आवर्स का मॉक दिया भले ही 15-20 मिनट का आधे घंटे का आराम कर लेना, लेकिन तुरंत उसका एनालिसिस जरूर करना अगले टू आवर्स। एनालिसिस में भले ही टू आवर्स से ज्यादा लगा देना, लेकिन एनालिसिस उसी दिन जरूर करना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक रजिस्टर बनाना, उसमें अपने वीक पॉइंट्स लिखना और फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखना। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वीक पॉइंट्स पे अपन कंसंट्रेट करेंगे। मान लो पहला मॉक देने के बाद आपके पास 10 वीक पॉइंट आए, कोशिश करना उन पे काम करने की। तब जब भी नेक्स्ट मॉक दो कोशिश करना ये जो वीक पॉइंट थे ये 10 से लेके 8 हो जाएं, अगले मॉक में 5-6 हो जाएं, फिर उसके अगले मॉक में 2-3 पे आ जाओ। धीरे धीरे जब तक कैट आएगा तब तक कोशिश करना जो आप गलतियां करते हुए आ रहे हो वो गलतियां ना दोहराओ, ठीक है। बाकी मॉक से रिलेटेड और भी स्ट्रेटेजी अपन डिटेल में खूब पढ़ेंगे, ठीक है। आपके भी इतने परसेंटेल दिलवाऊंगा मैं, ठीक है। और हाँ, मैंने अपनी वेबसाइट catipmat.com पे लाइव चैटिंग का ऑप्शन डाला हुआ है। कई बार बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो लाइव चैटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन आप कोई भी अपना कंसर्न भेजोगे 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो 24 आवर्स के अंदर आप एक आध बार और विजिट करना, आपको रिप्लाई मिल चुका होगा, है ना। मोटिवेटेड रहने का एक ही तरीका है, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। जितने भी लोग ऐसे, जैसे मेरे जो कुछ दोस्त का नहीं बताया, बोलते थे कि भाई नहीं हो पाएगा, हम तो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो 2 महीने में क्या कर लेगा। और हाँ, वो जो 2-2 साल वाले थे 80+ भी नहीं आए थे उनके, ठीक है। तो जो फालतू हाइप बनाता है ना, बेसिकली सिस्टम ये है जो हाइप बनाता है ना उसका नहीं हो पाता। और आप जितने भी, खैर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी आप ज़्यादा बोलने वाले लोग देखोगे ना, है ना, उनके रियलिटी में परसेंटाइल देख लेना, ठीक। तो ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करता रहे, उन लोगों के साथ रहो। अच्छा फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, है ना। फ्रेंड सर्कल में कोशिश करो उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा उठो बैठो जो कैट के प्रति सिंसियर हो। तो सेल्फ स्टडी या तो कर लो, या ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो उन्हीं लोगों के ग्रुप में रहो जो सारे के सारे कैट की ही तैयारी कर रहे हो। तो अगर सब अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, थोड़ा ज्ञान इससे मिल जाएगा, थोड़ा इससे मिल जाएगा, थोड़ा इससे, है ना, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। मॉक टेस्ट के रिजल्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दो, पॉइंट समझना। मॉक टेस्ट का जो भी रिजल्ट आ रहा हो, 99+ परसेंटाइल आ रहे हैं, अच्छी बात है, 9 परसेंटाइल भी आ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कैट, कई लोग क्या होता है मॉक टेस्ट देने का कैट की प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। दरअसल इसमें गलती उन लोगों की थोड़ी सी तो है कि आप गिव अप कर रहे हो, लेकिन उन इंस्टीट्यूट की भी है कि जो जबरन के ज़्यादा मॉक बहुत टफ बना देते हैं। आप लोग तो कई लोगों को, है ना, बाहर कर रहे हो कैट के कॉम्पिटिशन से, और हो सकता है कि बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा कर दें, ठीक है। तो मॉक ऐसा ही बनाना चाहिए जैसे रियलिटी में कैट होता है। अब आप IIT के क्वेश्चंस डाल दोगे, क्या मतलब है उसमें। अभी हम आपको IIT के क्वेश्चंस से आपको पेपर लें, आप खुद ना कर पाओगे, लेकिन मॉक ऐसे बना रहे हो जैसे आप बहुत हाई फाई हो। अपन तो सबको जानते हैं ना पर्सनली, तो चीज समझना है इसको। मॉक वैसे ही बनानी चाहिए जैसे रियल में कैट होता है। कैट टफ होता है तो आप टफ बनाओ, लेकिन कैट टफ होता ही नहीं है। और आप में से जितने भी लोग कैट को टफ समझते हो, एक बार PYQs देख लो, है ना, टफ लग रहा हो, मेरे वीडियो सॉल्यूशंस देख लेना, फ्री में है यूट्यूब में, आपको समझ में आ जाएगा कोई टफ नहीं, ठीक है। चलो आज काफ़ी बातें हो गई, ठीक। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर कर, ज़्यादा से ज़्यादा करो वीडियो को, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।